हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपन लोगों ने लिमिट स्टार्ट की हुई है। लिमिट्स के काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर लिए हैं, होप सो आप लोगों ने देख लिया होगा। और मेरे ख्याल से अगर कोई भी डाउट्स है तो आप लोगों ने अभी तक जिनकी भी इंक्वायरीज आई है उसका मैंने क्लियर कर दिया है डाउट्स। इट मीन्स आप लोगों को देख लिए हो, स्टडी कर लिए हो। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? एवोल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट एट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी हो तो पहले हमको कुछ बेसिक टर्म्स याद रखने हैं, इसके बेसिस पे ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x क्या होगा? 1/∞, इट मीन्स इज इक्वल टू 0। अगर माइनस इन्फिनिटी याद रहता है 1/-∞, देन ऑल्सो इट्स इक्वल टू 0। उसी तरीके से लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी सी अपॉन कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन एक्स टू द पावर एन। भाई 1/x अगर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का पावर अगर n हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन n क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों भाई n क्यों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? क्योंकि अगर n लेस देन 0 होता है तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होगा तो ये क्या चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा। अगर न्यूमरेटर में गया तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, इसका इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी सी अपॉन एक्स टू द पावर एन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एन कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर नहीं होगा तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, फिर देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू ई टू द पावर एक्स। ऑब्वियसली ई टू द पावर एक्स इट विल टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड सिमिलरली माइनस माइनस, अगर ये दोनों माइनस रहेगा तभी इन्फिनिटी की ओर जाएगा। माइनस इन्फिनिटी 1/e^x, देन ओनली यू आर गेटिंग इन्फिनिटी। ठीक है, अगर ये आ जाए इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, माइनस और ये माइनस, यहाँ पे क्या है देखो, प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स, देन यू विल गेट 0। ओके, ये याद रखना। अब देखो यहाँ ये दोनों में क्या चेंजेस है, यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ही दोनों के आंसर 0 है। और इन्फिनिटी कब आ रही है? अगर ये यहाँ पे इन्फिनिटी है तो 0 आ रहा है, अगर ये दोनों में माइनस है तो इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, याद रखने का बहुत अच्छा था। दोनों नेगेटिव इन्फिनिटी, दोनों पॉजिटिव इन्फिनिटी, ऑल्टरनेट है, यहाँ इन्फिनिटी माइनस है तो 0, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो 0। तो ये बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का शॉर्टकटली। ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ई टू द पावर एक्स 0 कब? अगर मॉड ए आपका क्या रहेगा? लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, और इन्फिनिटी इफ ए ग्रेटर देन 1 रहेगा। ठीक, ए ग्रेटर देन 1, ए अगर 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अगर आ गया यहाँ पे 0 प्लस लॉग ए एक्स तो ये होगा माइनस इन्फिनिटी, एंड प्लस यहाँ प्लस इन्फिनिटी लॉग ए एक्स तो क्या हो जाएगा? ये भी इन्फिनिटी आएगा। कब पॉसिबिलिटी है? जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 0 प्लस लॉग ए एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एंड लॉग ए एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, कब आएगा आंसर इसका? कब? जब यहाँ पे ये 0 से 1 के, ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। मतलब ए अगर 1 से बड़ा है तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, अगर छोटा है तो 0 प्लस में ये इन्फिनिटी दे। ठीक है, तो ये बेसिक है, इसको हमको याद रखना है। अब इनकी से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे उसको अब हम ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चंस इन्हीं, इनको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले हैं, ये शॉर्टकट्स हैं जो आपको याद रखने हैं ताकि हम इससे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकें। देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा आता है, देखिए मान लीजिए अगर आ गया आपका लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, मान लीजिए मैंने ले लेती हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये आ गया डी एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस जी। ठीक है, अब इसको अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, देखो कैसा केस मिल रहा है यहाँ पे, ये क्या मिल गया हमारा बताइए, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे भी इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को, तो ये कौन सा केस आ गया मेरा? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस हो गया। तो इसको तो मैं सॉल्व नहीं कर सकते, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर दूसरा मेथड देखना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट केस में किया था, 0/0 आ जा रहा था तो उसको सॉल्व करने का अल्टरनेट मेथड निकाले थे, फैक्टराइज कर रहे थे, स्प्लिट कर रहे थे और सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो
यहाँ पे हमको लिमिट, अभी मैंने इन्फिनिटी के इतने सारे फॉर्मूले आपको बताए हैं, उसको ध्यान में रखना है कि अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी होती है तो कौन सा वाला यहाँ पे वर्क करेगा। बहुत आसान है, दोनों का पावर सेम है। आप क्या करिए, देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से एक्स का पावर बाहर निकालिए, क्या बचेगा, ए प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर। वैसे यहाँ से भी एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा, डी प्लस एफ बाई एक्स प्लस जी बाई एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। अगर ये दोनों कैंसिल हो गया और हमको क्या पढ़ा है, अभी हमने क्या किया, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी सी अपॉन एक्स टू द पावर एन है, तो आंसर क्या आ रहा था, आपका जीरो आ रहा था, इफ एन इज क्या था, ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज आ गई, यानी आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ए बाई डी, क्योंकि इसका वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो आंसर क्या आ गया, ए बाई डी। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन अगर ले लेते हैं अपन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, मान लीजिए मैं ले लेती हूँ फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन सेवन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस फाइव एक्स प्लस टेन, आंसर क्या आएगा, सिंपल 5 बाई सेवन, क्यों, इसमें से एक्स स्क्वायर निकालिए, आपका सिंपल आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर यहाँ से बाहर निकल गया तो क्या आया, 5 प्लस थ्री बाई एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो क्या आ गया, 7 माइनस 5 बाई एक्स प्लस 10 बाई एक्स स्क्वायर। ये लो भाई, ये तो हट गया आंसर, ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया, आंसर क्या आ गया, 5 बाई 7, क्योंकि यहाँ यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये दोनों में आंसर क्या जाएगा, 5। तो यानी इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, अगर दोनों एक्स जो है, एक्स के जो डिग्रीज हैं अगर सेम है तो वो कॉमन बाहर आएंगे, कॉमन बाहर आएंगे, इट मींस क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ गया, जो जो एक्स स्क्वायर जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशियंट रहेगा वही इसका आंसर आएगा। ये इसका क्या हो गया, शॉर्टकट ट्रिक हो गया याद रखने के लिए। ठीक है, एकदम शॉर्टकट ट्रिक, आपका एमसीक्यू में भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, चलिए इसी से और क्वेश्चंस बना लेते हैं, चलो थोड़ा सा और डिफरेंट कर देते हैं, चलो क्या कर लेते हैं, चलो और बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें लिख दिया 5x plus 2 upon root over 4x square minus 7, चलो आंसर क्या होगा बताओ। अब बोलोगे यहाँ अलग डिग्री, यहाँ अलग डिग्री, अरे भाया यहाँ रूट है, रूट से बाहर आएगा तो एक्स ही हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, आपका शॉर्टकट में आंसर क्या आ गया, 5 बाई 2 होगा। अब लॉन्ग कट में भी देख लेते हैं, एक्स बाहर निकालो क्या आ गया, 5 प्लस 2 बाई एक्स, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस है। यहाँ से क्या आ जाएगा, आप x बाहर निकालोगे तो रूट के अंदर क्या आएगा, 4 माइनस 7 बाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, ये दोनों का वैल्यू जीरो, तो क्या आ गया आंसर, 5 बाई 2, सिंपल आ गया 5 बाई 2 आ रहा है आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चंस और देखते हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं क्या, है ना, इसी को थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। चलिए ऐसा दे दिया 5x क्यूब माइनस 6 अपॉन रूट ओवर 9 प्लस 4x का पावर 6 प्लस 4x का पावर 6, बताइए क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या आंसर आना चाहिए। कंफ्यूज किया यहाँ पे, इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, x क्यूब बाहर निकालो, 5 माइनस 6 बाई एक्स क्यूब हो गया, और यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या जाएगा, एक्स क्यूब बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या आ गया, 9 अपॉन एक्स का पावर 6 प्लस 4, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 बाई 2 आ गया, 5 बाई 2 आंसर, सिंपल यहाँ पे भी। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज होने का नहीं है, जो भी क्वेश्चंस दिया रहता है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन देखते ही यहाँ पे आपका शॉर्टकट ट्रिक लग जाएगा, है ना, रूट दिया है तो रूट से बाहर आएगा तो क्या वैल्यू रहेगा, इस तरीके से हमको क्या करना है, ध्यान देना है। अब चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर, चलो इसका लिमिट क्या होगा भाई,
अब ये n है तो n है, ये n स्क्वायर हो गया, n ही है ना कि x है, हाँ तो x क्यों लोगे यहाँ पे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी ना, वेरिएबल चेंज कर लिया मैंने, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब बताओ क्या करोगे, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस हो गया, अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन भी नहीं लगा सकते, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स, क्या आ जाएगा आंसर उसके हिसाब से बताइए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है ना इसका, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और ये आ गया 1 अपॉन n स्क्वायर, अब आप यहाँ से n बाहर निकाल दीजिए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाई 2, ये आया n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई n, और ये आया 1 अपॉन n स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया मेरा, हाफ, सिंपल, क्योंकि 1 बाई हो तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, उसी तरीके से देखो सब बहुत आसान जाता है ना, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल n, लो आसान आंसर आ गया, यहाँ पे भी क्या आएगा बताओ, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n, ये क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n, कॉमन निकाल लीजिए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n, ये आ गया फैक्टोरियल n, अंदर क्या बचा, n प्लस 1 माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो गया, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आ गया, क्या आ गया भाई, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाई n, क्या आएगा 1 बाई n का आंसर बताओ, 1 बाई n क्या हो गया आपका आंसर, 0, क्या आ गया आंसर यहाँ पे, सिंपल 1 बाई n यानी 1 बाई x का आंसर मैंने क्या बताया, n टेंड टू इन्फिनिटी 0 आ गया आंसर, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सारे क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों, मैं बार बार कहती हूँ कॉन्सेप्ट से पढ़ाई करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका सब चीज़ अच्छे से बनेगा, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देना है ना, चलो थोड़ा सा और डिफरेंट पैटर्न करते हैं, मान लीजिए अगर ऐसा आ गया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब क्या करेंगे भाई, अब देखो ये तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस आ गया, ये क्या हो गया आपका, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस हो गया, अब फिर प्रॉब्लम आ गई है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो अगेन नॉट डिफाइंड है, तो इनडिटरमाइंड फॉर्म आ गया, फिर क्या करेंगे भाई, फिर इसको दूसरा देखो, ना तो इसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, ना तो अभी वाला केस एक्स स्क्वायर निकालने से भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा हमारा, क्योंकि कटेगा नहीं, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर निकालोगे, एक्स स्क्वायर नहीं तो काटोगे किससे, अगर तुम्हें डिवाइडेड बाई एक्स होता तो भी आ जाता फटाक से आंसर, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकलता, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकलता, दोनों में एक्स निकलता, कट जाता, 1 माइनस 1 आंसर हो जाता 0, सॉरी हाँ 1 माइनस 1 आंसर हो जाता 0 हो जाता ना, लेकिन ये तो नहीं दिया है, ये नहीं दिया यानी क्या करना पड़ेगा, एक ही काम है, रैशनलाइज करो, क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी x दिया ना, x कर लो, x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, क्या जाना चाहिए भाई, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो यानी क्या आ जाएगा केस उस हिसाब से, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, हो गया ना, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ से चलो हम x निकाल देंगे तो क्या बचेगा, रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से भी x बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लो भाई, इसको ओपन करोगे तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 1 ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बताइए यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आ गया भाई, x अपॉन यहाँ से x बाहर निकाल दो तो रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 प्लस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर, ये एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1 अपॉन ये जीरो 1 प्लस 1 2, तो आंसर क्या आ गया हाफ, सिंपल आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है, फिर आप लोगों का ये फटाफट बन जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जो है केस स्टार्ट करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, ओके, क्यों, अब हमारा एक क्वेश्चन लेते हैं मस्त, देखो लिमिट एक्स टेंड, जितना बड़ा क्वेश्चन दिखता है ना उतना ही छोटा और प्यारा सा आंसर होता है, ये याद रखिएगा, देख के डरने का नहीं होता है ना। क्या आ गया भैया, देखो एक्स प्लस वन का पावर 10 प्लस एक्स प्लस टू का पावर 10 प्लस सो ऑन, लास्ट गया एक्स प्लस 100 का पावर 10, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, ये कहता है, अरे होल डिवाइडेड बाय, ये कहता है एक्स का पावर 10 प्लस 10 का पावर 10। ठीक, देखो कोई टेंशन की बात नहीं, सबका पावर 10 है, ठीक है, कॉमन सबसे क्या निकालना, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का केस है, हो गया। अब क्या करो, सब में से एक्स बाहर निकालो, आंसर इसका अपने आप आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से एक्स निकलेगा तो एक्स का पावर 10, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 10, यहाँ से भी एक्स निकलेगा, यहाँ से भी एक्स निकलेगा, सबको मैं बाहर लिख देती हूँ डायरेक्ट। ठीक है, क्या आ गया, प्लस 1 प्लस 2 बाय एक्स का पावर 10 प्लस 1 प्लस 100 बाय एक्स का पावर 10, और यहाँ से निकाल दो x का पावर 10, तो अंदर आया 1 प्लस 10 का पावर 10 अपॉन x का पावर 10। ठीक है, ये और ये हो गया कैंसल, बताओ आंसर क्या आएगा भाई, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, तो हो गया ज़ीरो, तो आंसर क्या आएगा बताओ, कितना आंसर आएगा, सबका 1 बच रहा है, इसका 1, इसका 1, कितने बार 1, 100 बार, तो आंसर क्या आ गया, सिंपल 100 हो गया, आंसर आ गया इसका कितना 100, आ रहा है समझ में, क्या किया, कुछ नहीं किया, बस बाहर निकाला, आप देखो ये जीरो हो गया तो यहाँ 1 बचा, ये जीरो हो गया यहाँ 1 बचा, सबका 1 कितने बार ऐसे जीरो रहे, 100 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया 100। ठीक है, अब इसको 1000 दे देगा तो आंसर आ गया 1000, 10000 दे दिया यहाँ पे तो आंसर आ गया 10000, जो भी दे दे। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिकली ये आंसर सॉल्व होते हैं, थोड़ा सा ये वहाँ शॉर्ट आपके शॉर्टकट ट्रिक्स में, बहुत शॉर्टकट ट्रिक बोल रही हूँ, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं लगता इसको सॉल्व करने को, देखा एक्स बाहर निकाला, एक्स बाहर निकला, ऐड किया, एक लाइन में आंसर आता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट से ट्रिकी वे में पढ़ाई कीजिए, और अच्छे से जितना क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस करिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करने में कमी हो रही है आजकल, तो उसको ध्यान देंगे। ठीक है, और अपना जिस जो भी डाउट्स हैं आप पर्सनली मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, एंजॉय मैथ्स विद डॉक्टर शिल्पी, बाय बाय।